बोला महीने यहाँ पे बैठे क्यों भाई, नहीं जाना नहीं, जवाब नहीं देना। गलती होगी आगे से इनको कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं देना ना बुलाना। क्या हिंदुओं से हिंदुत्व वाली पहचान छीनने की कोशिश हो रही है? पाकिस्तान में खाने पीने के सामान की कीमत लगातार बढ़ रही है, यानी वहाँ महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। आ जा रहा है कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, गड्ढा मुक्त गड्ढा तो जनता ने इनके लिए खोदते जिसमें दबा दिए जाएंगे बीजेपी वाले। आज की वीडियो में बात है इस हफ्ते के गोदी मीडिया में घटे कुछ मजेदार किस्सों की करते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया तो गोदी मीडिया के पत्रकार अपने सवाल लेके किसानों के बीच पहुंचे तो किसानों ने उन्हें जवाब देने से मना कर दिया। कॉन्टेस्ट है क्या, एमएसपी क्या होती है? 12 महीने यहाँ पे बैठे जाओ भाई, नहीं जाना नहीं, जवाब नहीं देना। तो एमएसपी पूछ रहा है 12 महीने में, ये क्वेश्चन आ रहा है, अब एमएसपी नहीं जवाब देना। हम तो कुछ देखते ही नहीं है, अंधे हैं हम, नहीं देखते इसको। ये तो 420 है, आपको पता नहीं है? आप मेरे से क्या पूछते हैं? आपको नहीं पता कितने पढ़े लिखे हैं? आपको बताओ, आप एजुकेशन नहीं है? वैसे क्या किया मुल्क का? गोदी मीडिया की डिबेट में ऐसे कम ही मौके आते हैं जब बीजेपी नेताओं को एंकर टोक देते हैं। ऐसा ही कुछ टाइम जोन पर देखने को मिला जब संबित पात्रा ने कृषि कानूनों पर टिप्पणी करनी शुरू की तो एंकर नाविका कुमार ने उन्हें टोक दिया। So I believe there's lot of politics as far as political parties are concerned. As far as Bharatiya Janata Party and Mr. Modi is concerned, the sole intention is and would always be reform of the farming section. And remember Navika, reform is never easy. Dr. Patra, reform across the globe is never easy. Dr. Patra, अभी तो थोड़े दिनों के लिए कम से कम reform की बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इस वक्त शायद कोई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। Raghav Chadha, I'm completely out of time, but 30 seconds. Can I take 10 more seconds? Since I'm answering to both my brother and sister, can I just take 10 more seconds? I can. Times Now पर मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक से कृषि कानूनों के सिलसिले में सुशांत सिन्हा ने बात की, जिसमें सतपाल मलिक एंकर की पत्रकारिता से खुश नहीं दिखे और डिबेट छोड़कर चले गए। जहां तक मुझे ध्यान है सर, पहले शायद आपने कहा था कि ये कानून रहने चाहिए लेकिन एमएसपी पर भी कानून आ जाए। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, आप मेरे मुंह में मत डालिए और मैं आपको नमस्ते करता हूं, मुझे कहीं जाना है। मैं आपके एटीट्यूड से बहुत खुश नहीं हूं सर, मैं गलती से आपको समय दे दिया हूं सर, और मेरे प्रश्न अगर आपको पसंद नहीं आए तो अरे तुम मैं दिन भर पत्रकारों को ही भुगतता हूं, आपका जो एटीट्यूड है वो किसी का नहीं हुआ आज तक। अभी तो आपने कहा सर मैं इस्तीफा क्यों दूं, प्रधानमंत्री ने मुझे ये पद दिया है। हाँ हाँ, जब वो कहेंगे तो छोड़ दूंगा, एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा, तब तक आपके कहने थोड़े छोड़ दूंगा मैं। जी सर, धन्यवाद सर आपका। ले भाई, गलती होगी आगे से इनको कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं देना ना बुलाना। देश में कई राज्यों में चुनाव हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने में अपना जोर लगा रही है। कुछ पत्रकार जमीनी स्तर पर जनता से उनके मुद्दे पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, देखते हैं जनता कितनी जागरूक है। साथ खड़ा होगा, गलत के खिलाफ खड़ा होगा, वो सीधा जेल जाएगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि गुंडागर्दी खत्म हो गया, डर का माहौल नहीं है, लोग आजाद होकर जी रहे हैं। कहां गुंडागर्दी खत्म हो गई आज उत्तर प्रदेश में देख लो, क्रिकेट मैच हो गया, लड़का दिया गया। ये गुंडागर्दी ने पुलिस वालों की गुंडागर्दी है, प्रशासन की गुंडागर्दी है, इसमें आम गुंडे नहीं है, इसमें तो सरकार के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरकार के लोग गुंडागर्दी, बिल्कुल गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो क्या प्रशासन पे विश्वास नहीं है, क्या सरकार पे विश्वास नहीं जनता का? विश्वास कैसा करें, विश्वास ही है। रात को बिगर मावा तो पूछे लड़की जला जाती है, आपके तो विश्वास करें, किस पे विश्वास करें? आ जा रहा है कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, गड्ढा मुक्त गड्ढा तो जनता ने इनके लिए खोद दिया जिसमें दबा दिए जाएंगे बीजेपी वाले। जो इन्होंने 50 साल का सपना देखा था, जनता इन्हें 50 साल तक दोबारा सत्ता में नहीं आने देगी, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आने देगी। क्या बोलते, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सिनेमा सिटी खुल रहा है, भैया इस सरकार का तो ये जहाँ खाली ग्राउंड देखा, मैं फीता लगा के मोदी जी और योगी जी को बुलाया, केजी चलवा दी कि हो गया लोकार्पण, नो मेडिकल कॉलेज अभी किस कोई चालू हुआ जिसमें बच्चे पढ़ रहे हो। उत्तर प्रदेश चुनाव के मुद्दे पर मीडिया में कई डिबेट्स देखने को मिल जाती है, देखते हैं कि क्या मीडिया के एजेंडे भी इस चुनाव में वही हैं जो जनता को चाहिए। नहीं तो आप तय करें आपको इनके द्वारा मुद्दे रखे चाहिए कि नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिना नाम लिए AIMIM सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी को दो टूक चेतावनी दे दी कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के विरोध में
एक और शाहीन बाग बनाने की धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या हिंदुओं से हिंदुत्व वाली पहचान छीनने की कोशिश हो रही है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग, वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व का मतलब तो यह है कि सिखों और मुसलमानों को पीटो। आखिर कांग्रेस हिंदुत्व का बार बार अपमान क्यों कर रही है, सवाल क्यों खड़ा कर रही है? तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, 2024 की पूरी तस्वीर साफ करेंगे। बीजेपी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर 2022 में यहीं से सत्ता श्रृंगार का सपना देख रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में एयरपोर्ट बिक रहे हैं और नए एयरपोर्ट की नींव रखी जा रही है, और ये गणित क्या है उन्हें समझ नहीं आ रहा। मायावती कह रही है कि मेरी सरकार में ही एयरपोर्ट का प्लान बन गया था, तब की यूपीए सरकार ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। योगी आदित्यनाथ भी हमलावर हैं, कह रहे हैं जनता तय कर ले कि उन्हें जिन्ना का अनुयायी चाहिए या फिर गन्ने की मिठास। मीडिया महंगाई के मुद्दे पर कम ही बात करता है, अगर बात करता भी है तो भारत की नहीं, पाकिस्तान और अन्य देशों में बढ़ती महंगाई की। आप पत्रकार सुधीर चौधरी की ये पुरानी वीडियो देखिए जिसमें वह पाकिस्तान में टमाटर के दाम बढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में खाने पीने के सामान की कीमत लगातार बढ़ रही है, यानी वहाँ महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। आजकल पाकिस्तान में एक किलो टमाटर 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर आजकल सिर्फ और सिर्फ महंगे टमाटर की चर्चा हो रही है। वहां के न्यूज चैनल्स के मुताबिक कराची शहर में टमाटर की औसत कीमत 250 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि शहर के बाकी इलाकों में और बाहरी इलाकों में यही टमाटर 360 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। लेकिन झूठ बोलने और सपने दिखाने में माहिर इमरान खान के मंत्री और उनकी सरकार के अधिकारी लोगों की परेशानी से इतने बेपरवाह हैं, इतने दूर हैं। खैर, इन दिनों भारत में भी टमाटर के दाम बहुत ज्यादा हैं। उम्मीद करते हैं कि वे इस पर भी अपने शो डीएनए में बात करेंगे। आप इस वीडियो के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।